जो मौजूद था आज से 300, 400, 500 बरस पहले, उसको उसी जबान में दोबारा से लिखना आसान बना के या मॉडर्न वे जो आपका एग्जाम है उसके अंदर, तो ये भी एक तजुर्बे की सूरत है। और ये सब चीज़ें जो हैं बार बार, जैसे मेरी आपने मुझसे आपने पूछा कि मैंने तर्जुमा किस तरह से किया नफरतें मिटाने वाली बात, तो नफरतें जी मैं आपको ये अभी बताती हूँ कि इसमें तब नफरत का एलिमेंट हम नहीं कह सकते, ये ज़रूरत है। अब पूरी दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, शायद 6,000 तक या शायद इससे भी ऊपर हो, तो हम सब ज़बानों का में रोग हैं, अजीब हैं, शायर हैं। अब क्या वो अपने आप तक ही महदूद रहे? ये ऐसी ज़रूरत है जिसकी अहमियत को बताने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा है कि आपको ये काम करना ही है। सो उस वक्त से भी पहले, जब अब तो ट्रांसलेशन स्टडीज एक बाकायदा डिसिप्लिन है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन तर्जुमा हो रहा है कि उमर का तर्जुमा जो है वो जिस ज़माने में हुआ था उस ज़माने में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी और कोई बाकायदा डिसिप्लिन नहीं था, बाकायदा तालीम भी दी जाती थी, लेकिन लोग तर्जुमा कर रहे थे, इसलिए कि ऐसी ज़रूरत है जिसका जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप मुझसे पूछने के मुख्तलिफ ज़बानों का, तो उसका तो छोटा सा जवाब ये है कि एक तो मैंने उर्दू से अंग्रेज